हे व्हाट्स अप पीपल, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल। अगेन उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, ऑफिशियली आज एमजी कंपनी ने अपनी मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी कार एस्टर को इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है। इसके बहुत सारे फीचर्स सामने निकल कर आए हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए एमजी एस्टर को खरीदने के लिए। और ये 5 पॉइंट एमजी एस्टर को खास बनाते हैं एज कम्पेयर टू महिंद्रा के एक्सयूवी 700। इसके अलावा हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, टाइगन और कुशक, इन कारों के मुकाबले ये 5 पॉइंट एस्टर को स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा साथ ही मैं उन 4 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए इस कार को नहीं खरीदने के लिए। यानी इस वीडियो के अंदर मैं एमजी एस्टर के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करूंगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्सयूवी 700 को परचेस करना चाहिए या फिर हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, टाइगन, कुशक इनको लेना चाहिए या फिर आपको एमजी एस्टर को अभी बुक कर लेना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि एमजी एस्टर को खास बनाता है और आपको ये पॉइंट कंसीडर करना चाहिए एमजी एस्टर को खरीदने के लिए, वो है इसका इंटीरियर। हालांकि एमजी एस्टर के अंदर बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब एमजी एस्टर के अंदर आपको 3 कलर स्कीम ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके इंटीरियर में काफी हद तक प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है, डैशबोर्ड के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, अपहोल्स्ट्री और सीट्स के ऊपर, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कार को खास बनाती है वो है इसके अंदर 3 स्टीयरिंग मोड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नॉर्मली बहुत सारी कारों के अंदर आपने टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फॉर्मेट वाली एडजस्टमेंट वाली स्टीयरिंग देखी होगी, लेकिन एमजी एस्टर के अंदर आप स्टीयरिंग व्हील को 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, इसके अलावा अर्बन और डायनामिक। अगर आप इस कार को अर्बन रोड पर चलाते हो तो आप अर्बन रोड की सेटिंग कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील की, या फिर अगर आप हाईवे पर इसको चलाते हो तो आप हाईवे की सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं। तो ये भी काफी हद तक बढ़िया फीचर आपको एमजी एस्टर के इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है और एमजी कंपनी ने इस कार के अंदर 80 कार कनेक्टेड फीचर्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कार के अंदर आपको 7 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, ड्राइवर भाई को तो यहाँ पर मजे होने वाले हैं। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, PM2.5 फिल्टर का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा फ्रंट और रियर में आर्मरेस्ट भी दिया जाएगा। और यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किए थे कि एमजी एस्टर के अंदर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट अवेलेबल है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एमजी एस्टर के अंदर आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलेगा जो कि मिस आउट है एक्सयूवी 700 से। जो सेकंड पॉइंट आता है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए एमजी एस्टर को खरीदने के लिए, वो है इसका पर्सनल एआई असिस्टेंट डिवाइस। एमजी एस्टर इंडिया की पहली ऐसी कार है जिसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा डिवाइस आपको मिलेगा जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओगे और इस डिवाइस को वॉइस दिया है डॉक्टर दीपा मलिक ने। ये पैरालंपिक मेडलिस्ट है इंडिया की और इनको पद्मश्री और खेल रत्न ये अवार्ड भी मिले हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस कार के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आपको ह्यूमन की ही आवाज आने वाली है, रोबोट जैसी कोई भी आवाज आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन जैसा ही आपको फील होने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। इसके अलावा ये जो पर्सनल एआई असिस्टेंट डिवाइस है ये आपको जोक्स सुनाएगा, इसके अलावा गाने भी आपको सुना देगा, न्यूज भी आपके लिए पढ़ेगा, इसके अलावा विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन आपके लिए रीड करेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेगा। तो ये पर्सनल एआई असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप अकेले इस कार को चलाओगे। जो तीसरा पॉइंट आता है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए इस कार को खरीदने के लिए, वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीचर्स। हालांकि ये जो पॉइंट है ये कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप इतनी महंगी कार खरीद रहे हो तो मतलब एडिशनल पैसे क्यों दे दे, तो मतलब बहुत सारे लोग मतलब ऐसे मतलब एडिशनल पैसे देने के लिए मतलब ना ही बोलेंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी है जिनको मतलब एडिशनल फीचर्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर मतलब 50-50 का रेशियो हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीचर्स के तहत आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर करेगी एमजी कंपनी, जैसे कि इसके अंदर आपको 4D मैप का फीचर मिलेगा जिसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जियो की कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, न्यूज, ग्रोसरी और फूड जैसे बहुत सारे फीचर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ये बढ़िया फीचर आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको ये चीज कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो फोर्थ पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस कार को खास बनाता है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए इस कार को खरीदने के लिए, वो है इसकी एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स। आपको बताना चाहूंगा एमजी कंपनी ने इसके अंदर 27 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूड किया है और 14 सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी के तहत। स्टैंडर्ड सेफ्टी के तौर पर कंपनी ने इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल ये फीचर दिया हुआ है, हिल डिसेंट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और अच्छे खासे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी के तहत फीचर्स आते हैं 14, उसके
उसकी लिस्ट यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, वो फीचर्स आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। अगर आपको इन फीचर्स को जानना है तो इसके ऊपर जरूर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर महिंद्रा एक्सयूवी 700 के अंदर एडास लेवल 1 की टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन MG Aster के अंदर लेवल 2 की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। इसका मतलब ये होता है कि एडास लेवल 2 के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे MG Aster के अंदर, और थोड़े से कम फीचर्स मिलेंगे एक्सयूवी 700 के अंदर। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए MG Aster को खरीदने के लिए, वो है इसकी कीमत। हालांकि इसकी कीमत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगभग 9 या फिर 10 लाख रुपए से इसका बेस मॉडल इंडियन मार्केट में शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रेटा की और सेल्टोस की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होती है इंडियन मार्केट में, और एक्सयूवी 700 के 5 सीटर मॉडल की कीमत इंडिया में 12 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करूं जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए MG Aster को नहीं खरीदने के लिए, यानी उन नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो कि MG Aster से मिसिंग है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपके मन में एक्सयूवी 700 और MG Aster है, मतलब आप कंफ्यूज हो MG Aster और एक्सयूवी 700 में, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा डायमेंशंस के मामले में एक्सयूवी 700 बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू MG की Aster, मतलब जो रोड प्रेजेंस रहने वाला है वो एक्सयूवी 700 का थोड़ा सा जबरदस्त रहने वाला है। तो यहां पर डायमेंशंस के मामले में एक्सयूवी 700 जीत जाती है। जो सेकंड पॉइंट आता है वो है इसका डीजल इंजन। MG Aster के अंदर कंपनी ने डीजल इंजन नहीं दिया हुआ, इसको 2 पेट्रोल इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। शायद आने वाले समय में इसको डीजल इंजन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, लेकिन एक्सयूवी 700 के अंदर आपको डीजल इंजन मिलेगा, क्रेटा सेल्टोस के अंदर भी आपको डीजल इंजन मिल जाएगा। वही अगर मैं पेट्रोल इंजन के पावर की बात करूं तो आपको एक्सयूवी 700 के अंदर ज्यादा पावर मिलने वाली है एज कंपेयर टू MG की Aster। तो अगर आपको पेट्रोल इंजन के साथ जाना है और आपको अच्छी पावर वाली कार चाहिए तो आप एक्सयूवी 700 को कंसिडर कर सकते हैं, ना कि MG के Aster। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है रोड प्रेजेंस। यहां पर कुछ लोगों को Aster का एक्स्ट्रा लुक अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को क्रेटा का एक्स्ट्रा लुक अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को टाइगन कुशक का लग सकता है। पर्सनली मुझे एक्सयूवी 700 का एक्स्ट्रा लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब एक्सयूवी 700 के डायमेंशंस भी थोड़े से बड़े हैं, वो थोड़ी सी मतलब बड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, उसका रोड प्रेजेंस भी थोड़ा सा जबरदस्त रहने वाला है एज कंपेयर टू MG Aster और बाकी की कारें। तो यहां पर बात आती है कि आपको MG Aster को बुक करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको छोटी कार चाहिए, मतलब डायमेंशंस में बड़ी कार नहीं चाहिए, आप नॉर्मल यूज के लिए कार लेना चाहते हो और अच्छे खासे फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए, तो आप MG Aster को बुक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मस्कुलर कार चाहिए जिसके अंदर अच्छी खासी पावर हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छे हो, आपके पास एक्सयूवी 700 ऑप्शन है, नहीं तो आप क्रेटा सेल्टोस के साथ भी जा सकते हैं। तो इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि MG Aster के अंदर कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइट सब वियर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।